बारिश के बाद पहाड़ों में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा असर बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ा है। पिछले डेढ़ महीनों की यही कहानी है। अब आपको मैं दो तस्वीरें दिखाऊंगा, जिसमें एक तस्वीर जो है वो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां भारी बारिश के बाद किस तरह से पहाड़ी से भरभरा कर मलबा गिर रहा है, आप देखेंगे। और दूसरी तस्वीर भी उसी हाईवे की है, और ये उस वक्त की है जब मलबा गिरने के बाद हाईवे पर यात्रियों की और गाड़ियों की भारी कतार लग गई। अब देखिए, मौसम जो है वो मानसून का है, बरसात हो रही है, और इस मौसम में भी यात्रियों का सैलाब यात्रा के लिए उमड़ा हुआ है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएंगे कि किस संख्या में बद्रीनाथ धाम में यात्री आ रहे हैं। लेकिन ये यात्री सिर्फ बद्रीनाथ धाम के नहीं है, यहाँ हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री भी हैं जो बाइक में आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये भूस्खलन रविवार को हुआ, और किस तरीके से हुआ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में जानेंगे कि भूस्खलन के बाद से किस तरह के हालात बद्रीनाथ यात्रा में पैदा हो गए हैं, और साथ साथ इस वक्त यात्रा करना कितना खतरनाक है, इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। चार धाम यात्रा का दौर जारी है, और इस बीच बरसात भी लगातार हो रही है। बारिश के बाद जहां पहाड़ी इलाकों में लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, और इस वजह से जो यात्री हेमकुंड साहिब जा रहे हैं या बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये कहानी पिछले डेढ़ महीनों की है, क्योंकि पिछले डेढ़ महीने से ही लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के बाद लैंडस्लाइड का दौर शुरू होता है। और इस बार तो बद्रीनाथ हाईवे पर इस कदर लैंडस्लाइड हुआ है कि कई बार यात्री फंसे हैं, और इसके बावजूद भी भारी संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा कर रहे हैं। इस मौसम में फूलों की घाटी काफी खूबसूरत नजारा वहां रहता है, क्योंकि पर्यटक स्थल है, लेकिन इस मौसम में यात्रा करना कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है, और ऐसा हमें इस बार के मानसून में कई जगह से देखने को मिल रहा है। जैसे कि केदारनाथ यात्रा की अगर बात करें, वहां भी बादल फटने के बाद किस कदर तबाही मची थी, उसके मंजर हमने देखे। बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास बार बार जो भूस्खलन हो रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं। जोशीमठ के पास किस तरह से पहाड़ियां दरक रही हैं, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो ऐसे में इस मौसम में यात्रा करना खतरनाक है, इस मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कई श्रद्धालु, कई भक्त यात्रा पर निकल रहे हैं। अब एक तस्वीर और आप देखिए, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि हाईवे पर किस तरह से दो दो मशीनें मलबा हटाने का काम कर रही हैं, और लंबी कतार जितनी दूर तक नजर जा रही है, उतनी दूर तक गाड़ियों की और भक्तों की लंबी कतार नजर आ रही है। इसमें कुछ यात्री हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं जो फंसे हुए हैं। अब देखिए, भूस्खलन के बाद स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि आवाजाही ठप हो जाती है, और जो यात्री ज़रूरी काम से निकलते हैं उन्हें भी सफ़र करना पड़ता है। अब इस तस्वीर में देखिए कि एक एम्बुलेंस भी इस लैंडस्लाइड में फंसी हुई थी। जैसे ही मार्ग खुला तो सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने दिया गया, उसके बाद से दोनों ओर से गाड़ियां इधर उधर जाने लगी। आपको बता दें कि 9 घंटे तक ये हाईवे बंद रहा, और जब खुल गया तो उसके बाद भी 5 घंटे तक इस हाईवे पर जाम हटाने में मशक्कत की गई। आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो बाइक सवार हैं, यानी कि जो हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में नज़र आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ हाईवे की हैं, चमोली ज़िले की हैं, और ये तमाम जानकारियां जुटाकर भेजी थी चमोली से हमारे सहयोगी कमल नैन। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें उत्तराखंड।